अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फ़िश फिले फ्राई बना रही थी, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। ये बहुत ही इजी और टेस्टी होती है, आप बनाकर देखिए, बहुत इजी होती है। तो मैंने ये फ़िश फिले लिए हैं, ये 1 kg फ़िश फिले हैं। मैंने ये ऐसे इस साइज़ में इसको कट किया है, आप अपने हिसाब से जितना बड़ा आपको साइज़ रखना आप रख सकते हैं। पहले हम जो है तो इसको मैरिनेट करेंगे। 1 teaspoon ऑफ विनेगर डालेंगे इसमें, देखिए। फिर ये इसमें मैंने ये रेड चिली पाउडर लिया है, ये है 1.5 teaspoon। ये गरम मसाला पाउडर 1/2 teaspoon, अजवाइन है 1 teaspoon, चाट मसाला 1 teaspoon, सॉल्ट टू टेस्ट, और ये धनिया और ज़ीरा मैंने ये अभी ड्राई रोस्ट किया है इसको, और फिर उसको मैंने कोसली ग्राउंड किया है। आप ये जो है इसको फ्रेश यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें मिक्स कर देंगे। फिर इसमें जाएगा 2 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अगर आपके पास घर में कोई भी ग्रीन चटनी हो, मिंट चटनी या कोई भी ऐसे, तो आप वो डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं इसमें ये डालूँगी, मिंट चटनी है मेरे पास, जो ये 2 टेबल स्पून ऑफ मिंट चटनी मैंने इसमें डाली हूँ। और फिर ये जो है तो हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स मिंट कर चटनी लें। है तो कोई बात नहीं, आप ना भी ऐड करें तो कोई बात नहीं, आप फिर रेड चिली जो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लें। फिर इसको जो हम अच्छी तरह से इस तरह से मैरिनेट करके एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए आप रख सकते हैं इसको, या आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हाफ एन आवर तो आप ज़रूर रखें। चलिए, अब हमारे ये मैरिनेशन को हाफ एन आवर हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे बेसन। इसमें जाएगा 4 टेबल स्पून ऑफ बेसन, और 1 टेबल स्पून ऑफ राइस फ्लावर। ये राइस फ्लावर डालने से इसका टेक्सचर अच्छा होता है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। राइस फ्लावर ऐड करने से थोड़ा सा क्रिस्पी बन जाती है, तो अगर आपके पास राइस फ्लावर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बस ये है कि वो क्रिस्पी बनती है, अच्छी लगती है। अक्सर लोग डबल फ्राई करते हैं फ़िश को, आपको डबल फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ ऑयल रख दिया था हीट करने के लिए, अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है काफ़ी, उसका टेम्परेचर हमें अच्छा रखना है, गर्म काफ़ी करना है उसको। और फिर ये जो बेसन जो उसको फ़िश पे ऐसे लपेट कर, अब हमको फिश इसमें ऑयल में हम डालना है हमें। ऐसे हम सारे पीसेस डालेंगे, 3 से 4 पीस आप एक टाइम पे फ्राई कर लें, या अपनी कढ़ाई के साइज़ पे आप तो डिपेंड करता है। तो आप इसको इस तरह से फ्राई करें, और पहले आप टेम्परेचर उसका फ्लेम हाई रखें, फिर 3 से 4 मिनट के बाद आप फ्लेम उसका लो कर देना। देखिए, अभी 3 मिनट हो चुके हैं इसको एक तरफ से फ्राई होते हुए फिश को, अब हम इसको जो फ्लिप करेंगे और इसका फ्लेम स्लो कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये स्लो फ्लेम पर पकाते हुए हम लोगों को 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब ये काफ़ी अच्छी मेरे ख्याल से कुक हो चुकी है, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी बनी है। अब हम ये फ़िश निकाल देंगे। देखिए, अभी हमारी फ़िश फ्राई रेडी है, आप इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, और हम इसको ट्राई करते हैं। यकीन माने बहुत ही टेस्टी बनी है, आप ज़रूर ट्राई करें फ़िश की रेसिपी, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।